बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, हम लोग बात कर रहे हैं अपने एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने अपना अध्याय 14 जो कि था हमारा गणितीय कथनों की जांच, इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको अगला जो अध्याय आता है हमारा अध्याय 15 इसको पढ़ाने वाला हूं। तो बिल्कुल बच्चों आ जाइए मेरे साथ जुड़ जाइए और आज की इस क्लास को हम बहुत ही खूबसूरत अंदाज में स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों हमारा जो मिशन चल रहा था उसका नाम क्या है, छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023, जहां पर मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10वीं विषय गणित को पढ़ाता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है सर, उसका नाम है अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, और यह होने वाला है भाग एक। देखिए बच्चों जो अध्याय 15 है ना वो आपके यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत आता है, और यूनिट नंबर 7 आपका क्या है, क्षेत्रमिति है। और क्षेत्रमिति में केवल एक ही अध्याय आपको पढ़ने के लिए मिलता है, अध्याय कौन सा है, 15, जिसका नाम है ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। देखिए बच्चों इस अध्याय को मैं ना थोड़ा सा चेंज करके पढ़ाऊंगा। अभी तक हमने जितने भी अध्याय पढ़े हुए हैं उसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ते थे, सबसे पहले हम एक नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते थे। लेकिन इस अध्याय में मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं। पहले मैं आपको बड़े बड़े प्रश्नों की तैयारी कराऊंगा और के बाद सबसे लास्ट क्लास में ना हम एक नंबर वाले प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। बच्चों यहां से हमेशा आपको 8 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में किए जाते हैं, जिसमें से 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका 3 नंबर के लिए होगा, और एक जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका 4 नंबर के लिए होने वाले हैं, ठीक है। और देखो इस अध्याय में टोटल आप 5 सॉलिड शेप के बारे में पढ़ने वाले हो, 5 क्या पढ़ने वाले, ठोस आकृतियों के बारे में पढ़ने वाले हो, जिसमें से सबसे पहले मतलब कि आज के इस क्लास में आपको मैं बेलन के बारे में पढ़ाने वाला हूं। बेलन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, उन सारी चीजों को आज हम क्लियर कर लेंगे। इसके बाद इसका सेकंड क्लास आएगा, उसमें हम शंकु के बारे में बात करेंगे, कोण के बारे में बात करने वाले। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे गोले के बारे में। फिर फोर्थ नंबर में हम बात करेंगे घन और घनाभ, और उसके साथ साथ फोर्थ नंबर के पार्ट में हम एक नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में भी तैयारी कर लेंगे। तो इस तरह से इस अध्याय के मैं आपको टोटल 4 पार्ट के वीडियो देने वाला हूं। आज के इस क्लास में पार्ट 1 में हम बड़े प्रश्न पर बात करेंगे, 3 नंबर या फिर 4 नंबर के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन पर बात करेंगे, और वो सारे के सारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके बेलन से संबंधित होने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम शंकु से संबंधित, और थर्ड क्लास में हम पढ़ेंगे गोले से संबंधित वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस तरह से हम पढ़ने वाले हैं, और फोर्थ क्लास में घन और घनाभ साथ ही साथ एक नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में भी पढ़ाने वाले हूं। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एक नंबर वाले क्वेश्चन को बाद में क्यों पढ़ा रहे हो? तो बच्चों इसका रीजन ये है, इसका रीजन यह है क्योंकि जो अध्याय ना वो पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। पहले हम क्या करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन की तैयारी करेंगे और सारे फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेंगे, रट लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे छोटे क्वेश्चन की ओर, तो हमसे वो बहुत इजी से बन जाएगा। इसीलिए मैं बड़े क्वेश्चन को पहले बताने वाला हूं जो कि फॉर्मूला बेस्ड होने वाला है। तो बिल्कुल बच्चों चलो आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए तो बेलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आज मैं इसको कराने वाला हूं। और क्वेश्चन पे आने से पहले मैं यहां पर कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूं जो कि बेलन से संबंधित होने वाले कुछ सूत्रों के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ देखो, तो देखो यहां पर आपको एक बेलन दिख रहा है, सिलेंडर के आकार में आपको क्या दिख रहा है, यहां पर एक चित्र नजर आ रहा है, इसे हम बेलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बेलन कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो आपको दिख रहा है ना, ये बेलन की हाइट है, क्या है, बेलन की हाइट है। देखो देखो आ जाओ इधर देखो, ये क्या है, ये है बच्चों बेलन की हाइट है, सिलेंडर की हाइट है, ठीक है, जिसे हमने किससे प्रदर्शित किया, एच से हमने प्रदर्शित किया हुआ, ठीक है, ये एच हुआ। अब यहां पर जो आपको दिख रहा है ना, ये है सर हमारा रेडियस, जिसे हम त्रिज्या कहते हैं, ये बेलन का क्या है, त्रिज्या। बिल्कुल सर हमने दो चीजें यहां पर समझ लिया, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने बेलन से संबंधित 3 महत्वपूर्ण सूत्र लिखे हुए हैं। अगर ये 3 महत्वपूर्ण सूत्र आपके याद हो चुके तो बिल्कुल बेलन से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन में आएंगे आप उसको इजीली सॉल्व कर लोगे। देखो चलो एक एक करके हम सारी चीजों को पढ़ते हैं। देखो आ जाओ, सबसे बोला गया है पहले नंबर में बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। सर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे याद करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πRh, क्या होता है बच्चों, 2πRh होता है, जहां पाई क्या है, पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 है। आर क्या बच्चों, आर, अब भी मैं बता कि आर क्या है, त्रिज्या है, आर क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है, और एच क्या है, एच हमारा इस सर बेलन की ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई है, हाइट है। बिल्कुल सर हमने आर और एच को समझ लिया। फिर
अगला हमारा आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। सर हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो देखो तो यहां पर सूत्र को बनाया कैसे है, 2π यहां पर भी है, 2π यहां पर भी लिखा है, r भी यहां पर है और r भी यहां पर है, 2π r तक दोनों में है, फिर यहां पर h की जगह यहां पर r प्लस h है, ये दोनों में डिफरेंस होने वाला है। अगर बेलन का वक्र पृष्ठ पूछ ले तो आपको फॉर्मूला यूज करना है 2π r h का, अगर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ ले तो आपको यूज करना सर 2π r r + h वाले फॉर्मूले का। बिल्कुल सर, हमने इसी चीजों को भी समझ लिया। तीसरे नंबर में हमारा आता है बेलन का आयतन। सर हम बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे? तो ये फॉर्मूला देख लो, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है, जहां पाई क्या है, पाई की वैल्यू क्या है, पाई का मान क्या है, 22/7 है, आर क्या है आपका त्रिज्या है, रेडियस है, और एच क्या है इस बेलन की ऊंचाई है। बिल्कुल सर, हमने तीनों फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर बेलन का आपको वक्र पृष्ठ निकालना है बच्चों तो 2π r h, अगर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो 2π r, फिर ब्रैकेट में r + h, अगर बेलन का हमें आयतन याद करना है तो हम कैसे याद करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। बिल्कुल, तीन फॉर्मूला अगर हमने याद कर लिए हैं तो जितने भी क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे बेलन से संबंधित उसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं इस पर। चलो तो सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन यहां पर दिख रहा होगा, प्रश्न क्रमांक 1 देखिए। चलो पढ़ते हैं इस प्रश्न में क्या दिया गया और हमें क्या निकालना। आ जाओ देखो, कुछ भी दम नहीं होने वाला, अगर ये तीन फॉर्मूला आपने अच्छे से याद कर लिए तो ये तो हम आपके लिए हलवा हो जाएगा, हलवा है, कुछ नहीं दम नहीं है। आज देख लो क्या बोला गया है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या दे दिया गया, मतलब त्रिज्या मतलब कि आर दे दिया गया, ठीक है, 14 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई मतलब कि हाइट एच भी दे दिया गया सर 10 सेंटीमीटर है। तो हमें बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन तीनों चीज यहां पर याद करना है। हमने यहां पर तीन सूत्र याद किए थे ना, तीनों सूत्रों का यहां पर यूज करके हमें बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और बेलन का आयतन याद करना। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर है? बिल्कुल सर, अच्छे से समझ में आ चुकी। अब देखो सर हम इसको बनाएंगे कैसे कि हमें पूरा में पूरा नंबर मिले। देखो ये जो क्वेश्चन है ना वो 4 नंबर के लिए पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों चीजों को ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ भी ज्ञात करना है और आपको बेलन का आयतन भी ज्ञात करना है। सर हम इसको लिखेंगे कैसे? देखो चलो अब इसका हम फॉर्मेट सीखते हैं। देखो सबसे पहले यहां पर साइड में लिखो आफल। बिल्कुल पेन और कॉपी आपके पास भी होनी चाहिए, जो मैं लिखवा रहा हूं, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, एक एक चीज को नोट डाउन करते हुए चलना। देखो हमें यहां पर क्या क्या दिया हुआ सर, उसको पहले हम लिख लेंगे। तो दिया है करके हम यहां पर लिखेंगे, दिया है। चल बच्चों बताओ हमें क्या क्या दिया हुआ है? तो हमें दिया हुआ आधार की त्रिज्या। क्या दिया बच्चों? आधार की त्रिज्या। तो मैंने यहां पर लिख लिया, दिया है बेलन की, बेलन के, यहां पर हम लिख सकते हैं बेलन के, ठीक है, बेलन के बारे में पढ़ रहे ना, तो हम लिख सकते हैं बेलन के, बेलन के आधार की त्रिज्या। और त्रिज्या को बच्चों हम इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। तो रेडियस का क्या आया? आर आया। तो आर बराबर हमें दिया गया सर 14 सेंटीमीटर। क्या दिया गया बच्चों? 14 सेंटीमीटर दिया। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी हमें समझ में आ चुकी है। अभी तक हमने कुछ किया भी नहीं, जो दिया उसी को लिख दिया। तथा ऊंचाई भी दिया गया है, तथा ऊंचाई यहां पर लिख लो, तथा ऊंचाई, और ऊंचाई को हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों हाइट। तो हाइट का यहां पर आ चुका एच। तो ऊंचाई एच बराबर सर हमें दिया गया 10 सेंटीमीटर। क्या दिया बच्चों? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये बिल्कुल आपका फॉर्मेट होने वाला, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिलने वाला। चार नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 स्टार ठोक रखो इसको। आ जाओ तो सर हमें यहां पर क्या क्या ज्ञात करना है? हमें पहले नंबर में ज्ञात करना है बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या बच्चों? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चलो यहां पर हम ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। देखो फॉर्मूला क्या होता है, पहला नंबर का हमारा फॉर्मूला क्या बताते बच्चों? मैंने ये बताया था सर आपने 2π r h, बिल्कुल हमने यहां पर चिपका दिया। चलो सबके मानों को हम रखते जाएंगे। देखो तो बराबर 2 को मान रखा, ठीक है, पाई का मान मैं आपको बता चुका हूं सर, इसको रखना 22/7। क्या रखेंगे बच्चों? 22/7 रखेंगे। आर का मान, आर यानी कि त्रिज्या क्या दिया? 14। ऊंचाई क्या दिया बच्चों? 10 दिया हुआ। बिल्कुल सर, यहां तक हमने अच्छे से इसको समझ लिया। देखो 7 × 1 = 7 और ये 7 × 2 = 14, अगर आपने फॉर्मूला याद किया तो बिल्कुल पूरा में पूरा क्वेश्चन आपसे बनने वाला है, कहीं पर भी आप लिखोगे। आ जाओ
अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे सर, देखो मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं, अगर मैं 22 का गुणा करूंगा 2 से तो सर ये मिलेगा 44, 44 का गुणा करूंगा मैं 2 से तो सर मुझे मिल चुका ये 88, क्या मिल चुका 88 मिल चुका, अभी भी गुणा का 10 बचा हुआ है तो बराबर अब क्या मिल जाएगा 88 का गुणा अगर हम करेंगे 10 से तो हमें मिल जाएगा 880, क्या बच्चों 880, ये आपका आंसर नहीं हुआ है, बिल्कुल आपका आंसर ये नहीं है, फाइनल आंसर क्या है देखो यहां पर आपने बस संख्या के रूप में लिखा, आपने यूनिट लगाना अभी बाकी है, आपको यूनिट इकाई लगाना सर, इकाई क्या लगाएंगे देखो, देखिए बच्चों जब भी आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाता है, जब भी आपको क्षेत्रफल निकालने के जाता है और आपका इकाई अगर सेंटीमीटर में दिया गया है तो आपका क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आने वाला है, किसमें आएगा बच्चों वर्ग सेंटीमीटर में आने वाला है, ठीक है, अगर आयतन निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम उसको वर्ग नहीं वर्ग नहीं घन सेंटीमीटर लिखेंगे, क्या लिखेंगे घन सेंटीमीटर लिखेंगे, वर्ग किसमें लिखेंगे जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं और आयतन निकालेंगे तो हम घन सेंटीमीटर लिखेंगे, अगर सेंटीमीटर में या तब अगर मीटर में दो तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वर्ग मीटर हो जाएगा और आयतन क्या हो जाएगा घन मीटर हो जाएगा, बिल्कुल सर ने यहां तक इसको समझ लिया देखो, ठीक है चलो सर हमने वक्र पृष्ठ तो निकाल लिया, हमें तो यहां पर संपूर्ण पृष्ठ भी निकालना है, बिल्कुल निकालेंगे आज दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो यहां पर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, चलो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है तो सर ये होता है 2πr तक तो सेम रहता है, फिर h की जगह हम यहां पर लिखते हैं r प्लस h लिखते हैं, बिल्कुल बच्चों हम यहां पर ऐसा लिखते हैं, देखो सबका मान मैं यहां पर चिपकाने जा रहा हूं सर, 22 की पाई की जगह हमने 22/7 को चिपका दिया, बिल्कुल चिपका दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चलो r का मान, r क्या है रेडियस यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या हमें दिया गया था सर 14, बिल्कुल चिपका ये हो चुका 14, r का मान है 14 धन ये हो जाएगा ऊंचाई, ऊंचाई सर हमें दिया था 10, बिल्कुल हमने यहां पर रख दिया, चलो आगे इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं तो 7 × 7 और ये 7 × 2 = 14 दो बार में निपट गया, ठीक है दो बार में निपटा दिए, फिर देखो 22 का गुणा करेंगे 2 से तो 44, 44 का गुणा करेंगे 2 से तो सर हमें मिल जाएगा 88, क्या मिला 88 मिला, फिर गुणा में देखो गुणा में क्या बचेगा यहां पर 14 और यहां पर 10 को जोड़ूंगा तो सर मुझे मिल जाएगा ये 24, क्या मिला 24 मिल चुका, बिल्कुल सर यहां तक की कहानी में अच्छे से समझ में आ चुकी है, ठीक है चलो और क्या कर सकते हैं, बिल्कुल देखो अब 88 को हम 24 से गुणा करने वाले हैं तो देखो हमें क्या मिलने वाला, देखो चलो मैं यहां पर आपको गुणा करके बता देता हूं एक बार, ठीक है तो 8 का गुणा करेंगे किससे 4 से करेंगे तो 8 × 32 का 2 आ चुका, हासिल में 3 आ चुका, फिर से वही कहानी 8 × 32 32 और यहां पर 3 क्या हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 35 गुणा, फिर 2 का गुणा करेंगे 8 से तो 8 × 16 हासिल में अभी भी एक बचा हुआ है, 8 का गुणा करेंगे 2 से तो 8 × 16 16 और 1 ये हो जाएगा सर 17, क्या बचा 2 बचा, 6 और 5 यहां पर सर ये हो जाएगा 11 हासिल में एक बचा, ये हो जाएगा 7 और 4 7 और 4 हो जाएगा कितना हो जाएगा 7 × 3 = 10 और 11 एक आ जाएगा फिर यहां पर हासिल में, यानी कि 2112 क्या है बच्चों 2112 किसमें आएगा, हम क्या निकाल रहे हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं यानी कि वर्ग सेंटीमीटर, क्या लगेगा बच्चों वर्ग सेंटीमीटर लगने वाला, बिल्कुल सर यहां तक की कहानी हमने अच्छे से समझ लिया, एक एक बात को पॉइंट को नोट करते हुए चलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में समझा रहा हूं, ठीक है बस फॉर्मूला फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो बिल्कुल ये आपके हलवा है, कुछ भी निदम नहीं, आ जाओ चलो एक चीज और निकालना आयतन, क्या निकालना बच्चों आयतन, बिल्कुल आ जाओ इसको क्यों छोड़ेंगे इसका भी काम तमाम कर देंगे, आ देखो देखो तथा बेलन का आयतन लिखो, तथा बेलन का आयतन बिल्कुल लिखो, तथा बेलन का आयतन, यह क्वेश्चन 3 नंबर के लिए भी और 4 नंबर के लिए भी दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है, ठीक है चलो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है बच्चों फॉर्मूला ये होता सर पाई आर स्क्वायर एच होता है, बिल्कुल सर ये होता है, देखो 22 पाई का मान 22/7 चिपका दो सर चिपका दिए, ठीक है आर का मान यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या क्या था बच्चों तो त्रिज्या यहां पर था ये 14 था तो यहां पर आर की घात 2 है यानी कि 14 की घात 2 करेंगे तो 14 का 14 के साथ ही हम करेंगे दो बार गुणा, दो बार क्यों किया समझ में आ गया, क्योंकि आर की घात में क्या है 2 है, ऊंचाई ऊंचाई क्या बच्चों 10 है, बिल्कुल चिपका यहां पर 10, 7 × 7 और ये 7 × 2 हो जाएगा 14, बिल्कुल सर यहां तक की कहानी में समझ लिया, 22 का गुणा करेंगे 2 से तो हो जाएगा 44, ठीक है अब देखो 14 का अगर मैं गुणा करूंगा 10 से तो सर हमें मिलेगा 140, अब यहां पर 44 का अगर गुणा करूंगा मैं 140 से तो सर हमें मिल जाता है 6160,
अब यहाँ पर देखो 6160 मिला, 44 का गुणा किए 140 से तो 6160 मिला। लेकिन अब सर इकाई क्या लगाएं, तो हम यहाँ पर ज्ञात क्या कर रहे हैं, आयतन ज्ञात कर रहे हैं, तो इकाई क्या लगेगा बच्चों, किसमें दिया था यूनिट, यूनिट दिया था सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, घन सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बच्चों, घन सेंटीमीटर हो जाएगा, या फिर सेंटीमीटर की घात, तीन भी कर सकते हैं। बिल्कुल यहां तक कि सर हमने कहानी को अच्छे से समझ लिया, ठीक है। देखो तीनों चीजों को मैंने निकाल लिया, तीनों चीजों को मैंने निकाल लिया, क्या क्या निकाल लिया, सबसे पहले हमने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, फिर हमने घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, और अंत में हमने घन का आयतन को भी ज्ञात कर लिया। तीनों को मैंने अच्छे से बॉक्स में पैक कर दिया, देख लो तीनों उत्तर हमारे सामने आ चुके हैं। बस फॉर्मूला ही बेस है, अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से याद कर लिया है तो ये आपके लिए बहुत ही इजी, बच्चों वाला खेल है, बच्चों वाला खेल है, बिल्कुल आ जाओ। चलिए सर हमने पहले क्वेश्चन को कर लिया जो कि टेन स्टार था, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर आ चुका। चलो पूछा गया भैया, पूछा गया, देखो दो दो बार पूछा गया, दो दो बार 17 में पूछ लिया गया था सेट सी में तीन नंबर के लिए, फिर इसी क्वेश्चन को 2019 में तीनों सीट में पूछा गया था ए बी सी में। तीन नंबर वाले जो क्वेश्चन रहेंगे वो तीनों सेट में अलग अलग होंगे, और चार नंबर वाले जो क्वेश्चन रहेंगे वो तीनों सेट में एक समान होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को एक बार 17 में पूछा गया था मात्र सेट सी में, फिर 19 में दो साल बाद इसको तीनों सेट में पूछ लिया गया था चार नंबर के लिए, कितने, चार नंबर के लिए। तो यह क्वेश्चन तीन नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है, चार नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ। चलो सर अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हमें क्या निकालना है, क्या दिया है, इसके बारे में समझते हैं। देखो क्या बोला गया है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन, यानी कि हमें यहां पर बेलन की ऊंचाई एज बराबर दे दिया गया सर, 14 सेंटीमीटर है, बिल्कुल सर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना नहीं है, इस बार दे दिया गया है बेलन का वक्र पृष्ठ का हमें क्षेत्रफल दे दिया गया सर 88 वर्ग सेंटीमीटर है, हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है, बिल्कुल निकाल लेंगे। देखो तीन फॉर्मूला, बस तीन फॉर्मूला, वो तीन फॉर्मूला आपके याद है तो ये आपके लिए बच्चों वाला खेल होने वाला, आ जाओ देख लो। चलो ठीक है, चलो बोर्ड को मैंने दो भागों बांटा, अब यहां पर साइड में लिखेंगे हल, इसका सर फॉर्मेट क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो हमें दिया गया है उसको तो हम अच्छे से साफ सुथरी राइटिंग बनाकर लिखेंगे। देखो दिया है, क्या दिया है, तो बेलन की ऊंचाई हमें दिया गया है, तो बस तथ्य अच्छे से राइटिंग बनाकर लिखेंगे वहां पर क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई को हम एच से प्रदर्शित करते हैं, एच बराबर क्या दिया है, चलो बोलो 14 सेंटीमीटर, बिल्कुल चिपका, ये हो चुका सर 14 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। और क्या दिया है, हमें एक चीज और दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, बिल्कुल लिखो, तथा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल बराबर, क्या दिया बच्चों, ये दिया सर 88 वर्ग सेंटीमीटर, चूंकि ये क्षेत्रफल में था ना, तो किसमें देगा, वर्ग सेंटीमीटर में ही देगा, क्या लगाया हमने यूनिट, वर्ग सेंटीमीटर लगाया, बिल्कुल सर। सर हमें एक बात तो पता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो ये सर होता है 2πr h, बिल्कुल होता है सर, क्या होता है 2πr h होता है। अब इसका मान हमें दिया गया निकालकर 88 दिया गया, सर मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो मुझे r का मान मिल जाएगा, कैसे, देखो कैसे, देखो दो की जगह दो लिखे, पाई की वैल्यू सर हमें अच्छे से पता कि 22/7 होता, चिपका दो आर, आर का मान हमने यहां पर निकाला तो मैंने आर की जगह आर रख दिया, गुणा में एच भी है, अब एच का मान यानी कि बेलन की ऊंचाई हमें दे दी गई थी सर 14 सेंटीमीटर, बिल्कुल देख क्या रहा, चिपका यहां पर बराबर, ये हो जाएगा 88 वर्ग सेंटीमीटर, बिल्कुल सर यहां तक मैं अच्छे से समझ गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहां पर आर का मान निकालना, कैसे निकालेंगे देखो, चलो यहां पर मैंने इसको निपटा दिया, 7 × 7 = 14 से मैंने इसको अच्छे से निपटा दिया, ठीक है। तो R बराबर, देखो R बराबर अब क्या होगा, 88 को मैंने ऊपर में रखा, अब ऊपर में जो भी गुणा में है वो नीचे में आएगा, क्योंकि R के साथ सभी गुणा में थे और गुणा वाला पक्षांतर होकर भाग में जाएगा, बिल्कुल सर कहानी यहां तक समझ में आ चुकी है। तो यहां पर 2 बचा था, फिर क्या बचा था, 22 बचा था, और 1 2 भी बचा था, बिल्कुल 2 का गुणा करूंगा 22 से क्या मिलेगा 44, 44 का गुणा करूंगा 2 से तो 88 मिलने वाला है, ऊपर का 88 और ये सभी कर चुके, तो R बराबर बच्चों हमें मिल चुका है 1 सेंटीमीटर, किसमें आया, सेंटीमीटर में आ चुका है, R बराबर हमने निकाल लिया है 1 सेंटीमीटर निकाल लिया है, क्योंकि जब भाग वाले को काटते हैं तो 1 बचता है, शून्य कोई नहीं बोलेगा, शून्य कोई नहीं बोलेगा, 1 सेंटीमीटर बचेगा, ठीक है। तो R बराबर हो चुका 1 सेंटीमीटर, ठीक है सर, हमने यहां तक की कहानी को अच्छे से समझ लिया।
तो बच्चों आपने अगर आर निकाल लिया, एच दिया है, तो आयतन निकालने लिए आपके लिए क्या दिक्कत होने वाला है? बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान हमें मालूम है, आर का मान निकाल लिए, एच का मान दिया गया था, बस वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। अतः बेलन का आयतन, चलो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चों ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल सर ये होता है, ठीक है, बराबर। सर पाई की वैल्यू तो हमें पता है 22/7, बिल्कुल चुपका 22/7 हो चुका। अब देखो यहां पर आर स्क्वायर है, यानी कि आर की घात 2 है, तो मैं पता है कि मुझे आर का मान क्या 1 है, तो हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 1 का 1 वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, प्लस सॉरी गुणा है ना यहां पर। सर एच का मान भी हमें दिया गया था क्वेश्चन में, कितना दिया है 14, बिल्कुल चुका ये हो चुका 14। सर 7 + 7 और 7 × 14 निपटा दे क्या, बिल्कुल निपटा दो, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या मिला, 22 का अगर मैं गुणा किया 2 से तो 22 × 44 घन सेंटीमीटर, किसमें आएगा, आयतन ज्ञात कर रहे हैं सर, तो ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ये सर आपका होने वाला फाइनल आंसर, क्या होगा फाइनल आंसर होने वाला, बिल्कुल बच्चों ये आपका हो चुका आंसर, हमने घन का आयतन निकाल लिया, ठीक है। आ जाओ अच्छे से इसको पैक करता हूं, लो हो चुका, घन का आयतन हमने निकाल लिया सर 44 घन सेंटीमीटर है, घन का आयतन हमने निकाल लिया 44 घन सेंटीमीटर है। 3 नंबर के लिए पूछे या 4 नंबर के लिए पूछे, जैसा पूछे उसके अकॉर्डिंग हमने यहां पर जवाब दे दिया, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि दो बार पूछा गया, दो बार 20 में पूछा गया था सेट सी में और मन नहीं भरा, तो 2022 में पूछ लिया गया तीनों सेट में। जब 20 ने पूछा था तो 3 नंबर के लिए और 22 ने पूछा तो 4 नंबर के लिए, तीनों सेट में पूछा गया था, बिल्कुल सर यहां पर कहानी को समझ लिया। चलो अब एक बार बच्चों इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस प्रश्न में हमें दिया क्या और निकालना क्या। चलो देखो क्या बोला गया है कि एक बेलन के आधार की परिधि बराबर क्या दिया गया है 88 सेंटीमीटर है। बच्चों यहां पर आपको परिधि का सूत्र याद होना चाहिए कि सर हम आधार की परिधि ऐसे देखो, जब हम बेलन बनाते हैं तो बेलन कैसे बनाते हैं, आधार देखो ये हमारा इस प्रकार से बेलन होता है, ठीक है, इस प्रकार से हमारा बच्चों ये बेलन होता है। अब यहां पर देखो ये हमारा होता है आधार, ये कौन से शेप में है, ये वृत्त के शेप में होता है, कौन सा बच्चों वृत्त के शेप में होता है, तो वृत्त की परिधि का यहां पर फॉर्मूला लगेगा जो कि क्या है बच्चों 2πr है, क्या है 2πr है, तो 2πr का मान हमें दिया गया 88 सेंटीमीटर, हम पाई का मान रखेंगे और वहां से हम आर का मान इजिली निकाल लेंगे, मतलब कि आर हमें मिल चुका, ठीक है। चलो ऊंचाई भी दिया गया सर 10 सेंटीमीटर, क्या दिया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, हमें बेलन का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है सर, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, एच तो हमें यहां पर दिया गया डायरेक्टली, आर का मान हम यहां से निकाल लेंगे परिधि का फॉर्मूला लगाकर, दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज को रखेंगे, सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आ जाओ देखो, चलो आ जाओ, तो सबसे पहले सर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे, फॉर्मेट हमारा क्या होगा कि हमें पूरा में पूरा नंबर मिले, बिल्कुल आ जाओ। देखो सबसे पहले तो यहां पर आप बनाओ ये लाइन, अपने बोर्ड को 2 भागों में मैंने बांट दिया, बिल्कुल। फिर हम यहां पर लिखेंगे हल, देखो हमें जो जो दिया गया उस बात को हम यहां पर उतारना चाहेंगे, क्या क्या दिया बच्चों हमें, हमें दिया गया सर दिया है बेलन का, दिया है बेलन के आधार की परिधि, ठीक है, बेलन के आधार की परिधि, और आधार जो बेलन होता है उसका आधार क्या है, कौन से शेप में होता है बच्चों, ये वृत्त के शेप में होता है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला देखो यहां पर मैं इसको लिख लेता हूं, बेलन के आधार की परिधि बराबर सर हमें दिया गया 88 सेंटीमीटर, क्या दिया बच्चों 88 सेंटीमीटर दिया गया, सर हमें आधार की परिधि यानी कि वृत्त की परिधि इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है बच्चों, 2πr होता है, बराबर के बाद क्या हो जाएगा ये 88 हो चुका, बिल्कुल सर हमने यहां तक की कहानी को अच्छे से समझ लिया। चलो सर हमें यहां पर पाई का मान तो पता है ना, पाई का मान चिपका दो क्या, बिल्कुल चिपका दो सर, ये हो जाएगा 2 × 22/7 हो जाएगा, क्योंकि पाई का मान है 22/7 और आर का मान निकालना तो गुना का मैंने आर लिखा, बराबर ये हो जाएगा 88, बिल्कुल सर, तो R बराबर देखो 88 को मैंने अपनी जगह पर रखा, जो भाग में है वो जाएगा गुणा में और गुणा जाएगा भाग में जाएगा, तो 7 किसमें है, भाग में है, तो ये जाएगा इसके साथ गुणा में, अब 22 और ये 2 दोनों किसमें है, गुणा में है, और गुणा वाला सर जाएगा भाग में, किसमें जाएगा भाग में, बिल्कुल बच्चों यहां पर इसको समझ लिया। सर मैं इसको काट दूं क्या, अगर मैं इसको काटा तो 22 से कम 22 और ये 22 चौक
होता है 88। क्या होता बच्चों? 22 चौहत्तर, ये होता 88। दो एक कम दो और ये दो दूनी चार, सर दो बार में निपटा दिए तो क्या मिला? तो आर बराबर देखो दो का गुणा करेंगे सात से, तो सात दूनी चौदह। अब यहां पर हमें लिखना इसका इकाई, तो यहां पर आएगा सर सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी सभी कमान सेंटीमीटर में दिया गया था। ठीक है सर, हमने आर निकाल लिया है, ऊंचाई हमें क्वेश्चन में दिया गया है और वहां से हम बेलन का आयतन बहुत इजीली निकाल लेंगे। आ जाओ, ठीक है देखो, फिर हमें क्या दिया गया था? तथा बेलन की ऊंचाई, बिल्कुल चिपका यहां पर, तथा बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि हाइट, ऊंचाई एज बराबर क्या दिया बच्चों? ये दिया गया सर 10 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर हमें दिया गया था, बिल्कुल हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है चलो, आर निकाल लिए, एच दिया है, हमें निकालना क्या है? आयतन। आयतन कैसे निकालते हैं? बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल चिपकाओ। अतः बेलन का आयतन, बिल्कुल अतः बेलन का आयतन, अतः बेलन का आयतन, आयतन वॉल्यूम जिसे हम बोलते हैं, ठीक है आयतन बराबर सर इसका फॉर्मूला तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलो पाई की वैल्यू देखो, पाई की वैल्यू हमें पता सर 22/7 होता है। क्या होता है बच्चों? 22/7 होता है। ठीक है, अब आर, आर का वर्ग है और आर हमने निकाला हुआ 14, तो वर्ग है तो 14 का 14 के साथ ही करेंगे दो बार गुणा, बिल्कुल सर गुणा कर दिया। अब एच, एच का मान सर कहां गया? एच का मान दिया गया 10, बिल्कुल हमने यहां पर 10 को लिख दिया सर। सात एकम सात और यहां पर 7 × 2 = 14, दो बार निपटा दिया। देखो तो 22 का गुणा करेंगे 2 से, तो सर ये हो जाएगा 44। ठीक है गुणा, ठीक है 14 का गुणा अगर मैंने किया 10 से तो सर यहां पर मिलता 140। ठीक है 140, 44 का गुणा करेंगे 140 से तो सर ये मिलता है 6100। देखो इसी क्वेश्चन को मैंने एक बार और बताया था, 44 × 140 हमने यहां पर किया हुआ था। देखो बच्चों वापस मैं आपको दिखाता हूं, देखो यहां पर 44 × 144 यहां पर पहले वाले क्वेश्चन में भी आया था, तो क्या मिला था? 6160 घन सेंटीमीटर। यहां पर भी पुनः हमें उत्तर क्या मिलेगा? देखो 6160 मिलने वाला है। 6000 सर ये हो चुका 160, किसमें आएगा? तो यहां पर दिया था सेंटीमीटर में, निकाल क्या रहे आयतन, तो ये हो जाएगा सर घन सेंटीमीटर। किसमें बच्चों? घन सेंटीमीटर में होने वाला है। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। क्या होगा? फाइनल आंसर होने वाला जो आपको 4 में से 4 अंक दिलाने वाले, बिल्कुल ये हो चुका सर बेलन का आयतन, हमने अच्छे से ज्ञात कर लिया। क्या दम बता रहा हूं, क्या इतना इजी क्वेश्चन पूछता आपके एग्जामिनर, इतना इजी क्वेश्चन बच्चों वाला खेला है। अच्छा छठवीं का सवाल है ऐसे क्वेश्चन, तो चलो आज का अंतिम जो क्वेश्चन है, लास्ट जो क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं, जो कि प्रश्न क्रमांक 4 है। और इस तरह से मैंने बेलन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, जो कि 3 नंबर के लिए और 4 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं, इसको मैंने अच्छे से क्लियर करा दिया। ठीक है आ जाओ लास्ट क्वेश्चन की क्या दिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ लेते हैं। आ जाओ सर, यहां पर दिया गया कि एक बेलन का व्यास जो है वो 10 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा रुको 2 सेकंड के लिए और सोचो बच्चों, मैंने व्यास और त्रिज्या में आपको एक रिलेशन बताया था जब मैं आपको वृत्त पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा था? वृत्त पढ़ा रहा था, तो मैंने चिक चिक कर एक रिलेशन बताया था त्रिज्या और व्यास में, कि सर जो व्यास होती है ना वो त्रिज्या की 2 गुनी होती है। व्यास जो है वो त्रिज्या की 2 गुनी होती है। इसको हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सर त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। यहां पर हमें सर दिया गया व्यास और पता है कि व्यास यानी कि 2R त्रिज्या के 2 गुना होते हैं ना, तो व्यास बराबर सर हमें दिया गया 10 सेंटीमीटर। यहां से सर अगर मैं 2 को 10 से निपटा दिया तो सर हमें मिल जाएगा R बराबर 5 सेंटीमीटर। R बराबर क्या मिल चुका बच्चों? 5 सेंटीमीटर हमें मिल चुका है। ठीक है R का मान हमें सर दिया गया। ठीक है चलो निकाल लेंगे। ऊंचाई यानी कि एज का मान दिया गया 7 सेंटीमीटर। पुश क्या लिया गया? आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर एच। कहानी खत्म, कहानी खत्म, कहानी शुरू नहीं हुआ कि कहानी खत्म हो गया। देखो आर यहां से निकाल लिए, एच दिया है और हमें क्या ज्ञात करना? आयतन। कोई दम नहीं है, कोई आ जाओ चलो, तो क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे? आ जाओ, तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हाल। देखो सर अब इसको लिखेंगे कैसे? तो क्या लिखना भैया? जो जो दिया है उसको उतार दो। चलो तो दिया है, दिया है क्या क्या दिया बच्चों? दिया है बेलन का व्यास, बिल्कुल बेलन का व्यास सर हमें दिया गया, बिल्कुल चिपकाओ। बेलन का व्यास बराबर बराबर क्या दिया है सर? ये दिया गया 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल सर 10 सेंटीमीटर यहां पर हमें दिया गया। चलो और हमें पता है कि बेलन का व्यास
व्यास और त्रिज्या में क्या होता है बच्चों, रिलेशन बनता है कि व्यास जो होते हैं वो त्रिज्या की दो गुनी होती है। तो यहां पर मैं व्यास की जगह सर दो आर लिख दूं क्या? बिल्कुल लिख दो, दो आर बराबर सर हमें यहां पर दिया गया 10, ठीक है, दो एक कम दो और ये पांच बार में निपट जाएगा, तो आर बराबर सर हमें मिल चुका 5 सेंटीमीटर। क्या मिला बच्चों? आर बराबर मिल चुका सर 5 सेंटीमीटर मिल चुका, कुछ भी दम नहीं है, पूछा गया था 2020 सेडबी में, कुछ भी नहीं है। चलो और क्या दिया हमें, हमें बेलन की ऊंचाई भी दे दी गई है, ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे तथा बेलन की ऊंचाई नए कलर की सुंदरता के साथ, बेलन तथा बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ठीक है। देखिए बच्चों मैं बार बार अलग अलग कलर यूज करता हूं, लेकिन आपको अपने एग्जाम में एक ही कलर यूज करना है, अच्छा दिखेगा करके दो तीन कलर यूज करके ना आपका आंसर सीट चेक नहीं होगा। तथा बेलन की ऊंचाई एज बराबर, एज बराबर देखो क्या दिया गया, कहां दिया गया, हाँ ये 7 सेंटीमीटर बिल्कुल चुपका, ये सर हो चुका 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है, आयतन, बिल्कुल निकाल देंगे, आ जाओ। अतः बेलन का आयतन, अतः बेलन का आयतन, अरे भैया इतना क्वेश्चन कर लिया ना कि आयतन तो हमारे लिए एकदम रटा गया, पानी की तरह घोल के पी गया है। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल चुपकाओ। पाई का मान सर, पाई का मान होता है 22/7, आर, आर का वर्ग है तो आर को लिखोगे दो बार गुणा करके, आर का मान हमने निकाला था 5, बिल्कुल बिल्कुल यहां पर हमने 5 को दो बार गुणा करके लिखेंगे गुणा। देखो अब एच का मान सर, एच का मान क्या निकाला था, एच बराबर कहां गया, हाँ एच बराबर 7, यहां पर सर ये हो चुका 7, बिल्कुल यहां तक की कहानी सर अच्छे से समझ में आ चुकी है सर। 7 से 7 निपटा देंगे क्या, बिल्कुल निपटा दो। तो देखो यहां पर क्या बचा, 22 बचा है और गुणा में 5 गुणा 5 भी है, तो सर 5 पंच ये होता है 25, 22 का गुणा करेंगे 25 के साथ तो सर हमें मिलेगा 550। अब यहां पर देखो अगर इतने आपने लिखा पूरा सॉल्व किया है तो आपको 3 में से 2 नंबर ही मिलेगा, 3 में से 2 नंबर सर हमने पूरा सॉल्व किया है, 1 नंबर क्यों कट गया भैया, आपने यहां पर तो यूनिट लिखा ही नहीं ना, यूनिट लिखा ही नहीं है, यूनिट को चिपकाओ ना, क्या याद कर रहे थे, आयतन आयतन और इकाई क्या दिया था सेंटीमीटर में, तो घन सेंटीमीटर ये लिखे, अगर इसको लिखना भूले, इसको लिखना भूले तो आपका नंबर कटा, आपका नंबर बिल्कुल कटा, बिल्कुल कटा, ठीक है। लिखना नहीं बोला, इकाई को मोस्ट इंपॉर्टेंट, इकाई को तो लिखना ही है, ठीक है, ये हो चुका सर, हमने घन को भी याद कर लिया, घन नहीं आयतन को, ठीक है, घन सेंटीमीटर में आ चुका। तो बच्चों आज के इस क्लास में मैंने आपको 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया है जो कि बेलन से संबंधित होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो बिल्कुल लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों तक शेयर करना है। हम मिलेंगे इसके पार्ट 2 पर, जहां पर मैं आप सभी लोगों को शंकु के बारे में पढ़ाने वाला हूं, शंकु से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, आज जो मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से फेयर कॉपी में नोट डाउन करो और बार बार प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।